यहाँ जितने लोग दूर दूर तक खड़े हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, ऊपर तक सुन रहे हैं, ये सबको झाड़ू वाले हैं, झाड़ू पर वोट लगाने वाले हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप सीट में बात कही और जो थोड़ी देर में मैं 2-4 मिनट में बात रखूंगा उसको रिकॉर्ड कर लो। आपके पड़ोस में रहने वाला जो बीजेपी का है ना, जो कहता है मोदी जी मोदी 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 करता रहता है, उसको वीडियो सुनवा देना, उसको वीडियो सुनाने के लिए बात काम आएगी। वो हर बात में कहता रहता है मोदी ने ये कर दिया, मोदी ये कर देगा, मोदी ये कर देगा, उससे जरा पूछ लेना, एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। लोग सपना देखते हैं कि क्या सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं। हमने कहा था 4 साल पहले, आइए आइए राजनीति में सपना देखते हैं कि एक ऐसी राजनीति आएगी जो सरकारी स्कूलों को ठीक करेगी। 4 साल पहले सब आते थे हम तो लोग कहते थे कैसे सपना देखते हो यार, सरकारी स्कूल भी ठीक हो सकते हैं क्या? ये पार्टी वाले बीजेपी वाले मजाक उड़ाते थे क्योंकि इनके तो ज्यादातर सब प्राइवेट स्कूल चला रखे हैं इनके नेताओं ने। ये मजाक उड़ाते थे कि सरकारी स्कूल भी कहीं ठीक हो सकते हैं, लेकिन 4 साल गवाह है और दिल्ली का इतिहास हमेशा गवाह रहेगा कि अगर पार्टी ईमानदारी से काम करे, राजनीति में ईमानदारी से काम हो, तो सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो सकते हैं। आज आप दिल्ली में किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर घूम लीजिए, उसके क्लासरूम, उसके टॉयलेट, उसकी लैब, उसकी लाइब्रेरी प्राइवेट स्कूलों से बेहतर मिलेंगी आपको, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों जैसी मिलेंगी। और खाली कमरे बनवाने से काम नहीं चलता, बच्चे की पढ़ाई होनी चाहिए। पिछले 3 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं 3 साल से। उससे पहले प्राइवेट स्कूल आगे रहते थे, गवर्नमेंट स्कूल पीछे रहते थे। 3 साल से प्राइवेट स्कूलों के नतीजे आगे आ रहे हैं। 3 साल से गवर्नमेंट स्कूलों से, पिछले 2 साल से गवर्नमेंट स्कूलों से करीब करीब 350 लड़के लड़कियां 12वीं के बाद हर साल IIT का एग्जाम पास करते हैं, वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाते हैं, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहते हैं। पहले नहीं जाते थे लेकिन मेहनत करी, वही टीचर्स हैं, वही सरकार है, सरकारी सिस्टम है, बस राजनीति बदल गई है। राजनीति से सरकारी स्कूल भी बदल सकते हैं, सिर्फ सपना देखने की जरूरत है। दोस्तों लोग कहते थे प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने से, हम कहते थे प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस नहीं बढ़ने देंगे, लोग रोकेंगे। 4 साल में प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी और आज मैं कहते जा रहा हूँ ये लोग कुछ कुछ मामला लेके कोर्ट में गए थे, कोर्ट में कंफ्यूजन पैदा किया इन्होंने, अपने पक्ष में फैसला लेके आए, बड़े कोर्ट में जा रहा हूँ, अगर इन्होंने ज्यादा फीस वापस ले ली आपसे तो वापस कर लूंगा। किसी भी पेरेंट को ज्यादा फीस नहीं देने दूंगा, किसी भी स्कूल को ज्यादा फीस नहीं चार्ज करने दूंगा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री होने के नाते जिम्मेदारी के साथ। 4 साल से इनको फीस नहीं बढ़ाने दी, बहुत रो रहे हैं बहुत दिन से, बार बार कहते हैं कि फीस बढ़ाने दो फीस बढ़ाने दो। मैंने कहा अकाउंट चेक करा लो, फीस बढ़ा दो, अकाउंट को बढ़े इनके करोड़ों रुपए। मैंने कहा पहले इससे टीचर्स की तनख्वाह दे दो उसके बाद फीस बढ़ा लो। फीस नहीं बढ़ाने दी प्राइवेट स्कूल वालों को मैंने 4 साल से। सपना देखते थे 4 साल पहले लोग कि काश हर 6 महीने बाद 1 साल बाद जो फीस बढ़ती थी 10-15%, 4 साल से प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, वो सपना सच हुआ कि नहीं हुआ? आज मैं आपके बीच में 4 सपने लेके आया हूँ और चारों के चारों आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आप अच्छी सी बात कर रहे थे पूर्ण राज्य की, पूर्ण राज्य के लिए हम लड़ना चाहते हैं। आज दिल्ली में चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवाने के लिए। कांग्रेस चुनाव लड़ रही है किस लिए चुनाव लड़ रही है कांग्रेस? राहुल गांधी को नहीं, मोदी को प्रधानमंत्री। आज भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जो आपके बच्चों के 60% नंबर भी आए तो उनको कॉलेज एडमिशन दिलवाने के लिए चुनाव लड़ रही है। एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जब आपका बच्चा पढ़ लिख के आगे जाए तो सरकारी नौकरियों में 85% नौकरियां दिल्ली वालों को मिले, दिल्ली के लड़कों को मिले, दिल्ली के लड़कियों को मिले, इसके लिए चुनाव लड़ रही है। आज आम आदमी पार्टी ऐसी एक बात जो इस बात के लिए चुनाव लड़ रही है कि दिल्ली में महिलाएं अगर घर से बाहर जाए तो किसी गुंडे की किसी मवाली की हिम्मत ना हो, पुलिस का ऐसा खौफ होना चाहिए हमारे आसपास, इस चीज के लिए चुनाव लड़ रही है। बीजेपी लड़ रही है
चुनाव मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस भी लड़ रही है चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि दिल्ली में रहने वाले हर एक वोटर के परिवार का अपना घर होना चाहिए, इसके लिए चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी सीट के लिए चुनाव लड़ रही है कि दिल्ली का कोई लड़का कोई लड़की कोई नौजवान कोई अपना व्यापारी साथी कोई दुकान खोले तो ये फालतू में कानून वालून उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा पढ़ा के रोज इंस्पेक्टर हमारे यहाँ सीलिंग करवाने ना जाए, आम आदमी पार्टी इसके लिए चुनाव लड़ रही है। आप चीज जो बात करें कि पूर्ण राज्य कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली के आगे पूर्ण राज्य लिखा हुआ बड़ा अच्छा लगेगा। पूर्ण राज्य का मतलब यही है साथियों, उन्होंने बड़े विस्तार से बात कही थी। पूर्ण राज्य का मतलब सिर्फ इतना है, आज दिल्ली में हम मेहनत करके सरकारी स्कूलों को ठीक कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीस हमने कंट्रोल करवा रखी है, लेकिन हमारे बच्चे जब 12वीं क्लास करके जाते हैं तो उनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। 90% लाने वाले को नहीं मिलता, 60% वाले को क्या मिलेगा। पूर्ण राज्य का मतलब है कि दिल्ली में इतने स्कूल इतने कॉलेज खोलने के लिए हमारे पास दिल्ली के शिक्षा मंत्री के पास पावर होनी चाहिए, प्रधानमंत्री के पास नहीं होनी चाहिए, दिल्ली के शिक्षा मंत्री के पास ये पावर होनी चाहिए कि वो चाहे जितने कॉलेज जितनी यूनिवर्सिटी खुलवा दे। और हमारा वादा है, जैसे हमने 4 साल पहले कहा था सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे, आज मैं कह के जा रहा हूँ दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए, इतने कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोल देंगे कि 50-60% नंबर लाने वाले बच्चों को भी उनके कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। आज क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि दिल्ली में कॉलेज कम है यूनिवर्सिटी कम है। हम प्रधानमंत्री जी को 4 साल से कहते धक्के जी कॉलेज खोल दो या तो आप या हमें खोलने दो, बोले आप खोल नहीं सकते हमारे पास टाइम नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी को क्या पता जगतपुरी में कोई लड़का 60% कोई लड़की 60% ला रही है तो उस पर क्या बीत रही है, क्या पता उनको उनके माँ बाप पे क्या बीत रही है। प्रधानमंत्री जी को क्या पता इस बात का कि जो कॉलेज में जाने के बाद या 12वीं करने के बाद लड़का लड़की नौकरी ढूंढने लगते हैं उन पे क्या बीत रही है। आज से आपके सामने रख रही थी, नोएडा में कोई लड़का लड़की ग्रेजुएशन करता है सरकारी नौकरी निकलती है उत्तर प्रदेश में तो 85% नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए होती हैं जो लोग वहां से निकल रहे हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरी निकलती है तो 85% नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए होती है, वहां के नौजवानों के लिए होती है जो वहां से कॉलेज निकल रहे हैं। आज दिल्ली में हरियाणा से उत्तर प्रदेश से देश भर से लोग आके रह रहे हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश में रहते आपके बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश में 85% नौकरियां निकलती, आप उत्तर प्रदेश से आ गए अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने मेहनत करने, हमारी क्या गलती है जी, आपकी क्या गलती है उत्तर प्रदेश से यहाँ आ गए, अपना उत्तर प्रदेश में 85% नौकरियों में हिस्सा बचा, दिल्ली में 85% नौकरियों में हिस्सा देते नहीं, बोले यहाँ तो पूर्ण राज्य नहीं है। अरे पूर्ण राज्य बना दो फिर, हमारी क्या गलती है, हम तो अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आए बिहार से आए राजस्थान से आए यहाँ आके मेहनत कर रहे हैं, आपकी क्या गलती है। मैं 12,000 कमरे बनवा रहा हूँ क्लासरूम नए, 12,000 कमरे बनवाने का मतलब है कम से कम तुरंत 12,000 कमरे 6 महीने में बनके तैयार हो जाएंगे। मेरे को 12,000 कमरों में पढ़ाने के लिए 2-2 टीचर तो कम से कम चाहिए, 24,000 टीचर चाहिए। अब मैं 24,000 टीचर्स की पोस्ट निकालूं और वो पूरे देश भर से लड़के लड़के अप्लाई कर लें तो मेरे दिल्ली वालों को कैसे नौकरी मिलेगी। अब पूरे देश के लोगों नौकरियां ले जाएंगे, अपने अपने बच्चों को भी करा के बिठाए रखना, उनका नंबर नहीं आएगा। लेकिन अगर 85% नौकरियां 24,000 टीचर्स की नौकरियों में से 85% नौकरियां दिल्ली वालों की होती तो हमारे हिस्से में कुछ तो ज्यादा नौकरियां आती कि नहीं आती, उत्तर प्रदेश में आ जाती है, हरियाणा में आ जाती है, राजस्थान में आ जाती है, दिल्ली के लड़के लड़कियों की क्या होती है, तो यहाँ से भी एड करने को तो दिल्ली के लड़के लड़कियों के लिए नौकरियां हो। और आज मंत्रियों सरकार में 2,00,000 नौकरियां अभी भी पक्की रखी है, मुख्यमंत्री जी के पास पावर आए तुरंत निकाल दें 85% नौकरियां दिल्ली के बच्चों के लिए कर दें। दिल्ली के वो बिहार से कोई आया हो यूपी से कोई आया हो जो दिल्ली का वोटर है उसको मतलब है दिल्ली, दिल्ली के वोटर के बच्चों को दिल्ली के लोगों के बच्चों के लिए कर दें। आज कम से कम 2,00,000 नौकरियां को तुरंत लगेंगी सरकार में, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही महिलाओं की जो बात कही मैंने, आज किसी लड़के को लड़की को कोई छेड़ दे इधर उधर पुलिस का मेरे पास आते हैं लोग, मैं पुलिस वालों को कहता हूँ बोले जी बात तो ठीक है सर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 2 दिन बाद मैं पूछता हूँ क्या हुआ भैया, वो सर SHO साहब ने DCP साहब ने कमिश्नर साहब ने कहीं और भेज दिया था, मैं क्या हुआ सर कुछ और क्लैरिटीज आ गई थी मेरे को लड़की क्या हुई जो छेड़ी गए
उस लड़के का क्या करूं, वहां पे जो चेन स्नैचिंग हो गई थी, जो कार चोरी हो गई थी, उसका क्या करूं मैं? बोले सर आपको जानते हैं हमारे बॉसेस। अब पुलिस का बॉस कौन है? मोदी जी। मोदी जी क्या करते हैं, पुलिस क्या चोरी के मामले सुलझाए या किसी और काम में जाए? जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 50,000 टीचर निकलते हमने, सिर्फ उनके साथ काम किया मिलके, वही टीचर्स हैं आज दिल्ली के सरकारी स्कूल कहां पहुंच गए, वही पुलिस वाले रहेंगे लेकिन प्रायोरिटी बदल देंगे, आप देखना पुलिस कहां से कहां पहुंच गए। ये तो नेता को तय करना होता है कि पुलिस गुंडों को पकड़ेगी कि विरोधियों को पकड़ेगी, नेता को तय करना है, गुंडों को पीछे छोड़ दो, पुलिस को, पुलिस वाले कम काबिल तो नहीं है हमारे, पकड़ लेंगे लेकिन उनको थोड़ी सी खुली छूट देनी पड़ेगी, उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी भी बदलनी पड़ेगी। जैसे हमने टीचर्स की प्रायोरिटी बदली, आज सरकारी स्कूलों में टीचर खुल के पढ़ा रहे हैं, वैसे हम पुलिस की प्रायोरिटी बदल देंगे, पुलिस वाले खुल के पढ़ेंगे, खुल के काम करेंगे, गुंडों को पकड़ेंगे, बदमाशों को पकड़ेंगे। तो मैं यही कहने आया था कि पूर्ण राज्य अरविंद केजरीवाल के गाड़ी में 2 लाख बत्ती लगवाने का आंदोलन नहीं है, अरविंद केजरीवाल के तो 1 मिली थी वो भी उतार दी उन्होंने, हम मंत्री भी पहले मंत्री है देश में जो बिना लाल बत्ती के बिना सिक्योरिटी के घूमते हैं, हमें 4 और जवान हमारी सुरक्षा में चाहिए पूर्ण राज्य में, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे बच्चों को 60% भी नंबर लाए तो कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए, इसके लिए पूर्ण राज्य, इसके लिए पूर्ण राज्य चाहिए कि नौकरियां निकले तो 85% नौकरियां हमारे दिल्ली के बच्चों के लिए होनी चाहिए। गलत सोच रहे क्या? गलत सपना देख रहे हैं क्या? 4 साल पहले सपना देखा था सच किया, आज सपना देखिए, झाड़ू पर वोट लगाइए, 7 सांसद दिल्ली के लेकर आइए, आज देश में माहौल बना हुआ। ममता बनर्जी कह रही है, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं दिल्ली में सरकार बनेगी, पूर्ण राज्य लेकर आएंगे। और देखो मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा, ये तो आज जनता में चारों तरफ कह रहे हैं लोग, देखिए मोदी जी और अमित शाह को दोबारा नहीं आने वाला, इनका दौर तो खत्म, अब इनका दौर खत्म होने के बाद जो भी सरकार बनेगी बड़ी बॉर्डर वाली बनेगी, बॉर्डर वाली सरकार बन रही हो, 7 सांसद दिल्ली से आम आदमी पार्टी के हो, कुछ पंजाब से, हरियाणा से, गोवा से हो, उसके बाद देखो हम ये नहीं कहेंगे आज जी को मंत्री बना देना तब समर्थन देंगे, हम कहेंगे दिल्ली को पूर्ण राज्य बना देना तब समर्थन देंगे, मुझे सरकार आज आपको अपने लिए, हम सब के लिए, हमारी दिल्ली के लिए ये कसम खा के जानी है यहाँ से, मुझे इसीलिए मैंने शुरू में कहा था जितने यहाँ बैठे हैं उनकी मुझे चिंता नहीं है, चिंता उनकी है जो आपके पड़ोस में रह रहा है वो व्हाट्सएप देख के दुखी रहता है, बोला मोदी जी के बारे में बड़ा अच्छा व्हाट्सएप आया वो दिल्ली को दूंगा, उसको बताना तेरे बेटे की नौकरी खा गया मोदी, उसको बताना तेरी दुकान की सीलिंग मोदी ने करवा दी, उसको बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा रिकॉर्डिंग सुनवा देना उसको ले जाके, बड़े व्हाट्सएप पे घूमते हैं, बोले अपने बेटे को पढ़ाई करवानी है कि नहीं करवानी, पढ़ाई तेरी या झाड़ू वाले करवाएंगे या मोदी वाले नहीं करवा सकते, मेरे बच्चे की नौकरियां या झाड़ू वाले करवाएंगे, वो बीजेपी वाले को पड़ोस वाले को समझा देगा, आपको सब समझे हुए तभी तो यहाँ बैठे हैं। भारत माता की जय।